हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना से संबंधित सभी नई अपडेट। और क्या उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफी अब की बार 2022 में विधानसभा के चुनाव में होगी या नहीं होगी, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी सरकारी योजनाओं से जुड़ी नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलती रहे और आप सभी योजनाओं का लाभ ले सके। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिनकी जो डेट है वो अभी जारी कर दी गई है, जिसके बाद सभी पार्टियां अपनी सरकार बनाने के लिए सभी जो मुद्दे हैं पुराने वो उठा रही है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहता है वो किसानों का रहता है, जिसमें किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सभी सरकारें बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं जारी की गई है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन अभी हमने देखा है कि सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि 24 जनवरी से पहले पहले उत्तर प्रदेश में सभी किसानों का 2 से 3 लाख रुपए तक का जो केसीसी लोन है वो माफ किया जाएगा। अभी देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से पंजाब में अभी किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा है वो कर दी गई है, और अभी उत्तर प्रदेश में भी किसानों की कर्ज माफी करने के लिए सरकार द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है। इसकी जल्द ही अपडेट है वो जारी की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो लोन है वो माफ किया जाएगा। लेकिन पिछली बार की तरह इसी योजना के अंतर्गत डिफॉल्टर किसान होते हैं उन्हीं का कर्ज माफ किया जाएगा। डिफॉल्टर किसान वो होते हैं जिन्होंने केसीसी लोन उठाने के बाद अभी तक एक भी बार लोन का जो ब्याज है वो नहीं भरा है, उन किसानों का ही लोन माफ किया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो आपके लिए इस योजना में बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आपका 2 लाख रुपए तक का जो केसीसी लोन है वो जल्दी ही माफ किया जाएगा। और अभी भी चुनाव के जो दिन है वो अभी बहुत है, जिनमें किसान कर्ज माफी योजना की सरकार द्वारा घोषणा की जा सकती है, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 24 जनवरी बताई जा रही है कि उससे पहले उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना से संबंधित कोई भी नई अपडेट जारी की जाती है कि किसानों का कर्ज माफ होगा, आपको हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी जानकारी है उसको बताएंगे, जिसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना से जुड़ी सभी नई अपडेट मिलती रहे। अगर आपके मन में उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आने वाले ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।